हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रुधि अग्रवाल और आज हम बात करेंगे पार्ट 11 की जीके फॉर एम्स के लिए। तो ऑलरेडी हम 10 पार्ट कवर कर चुके हैं और लेक्चर चालू करने से पहले आपको दो चीज़ें बताना चाहूंगी। कुछ बच्चों ने मुझे लोगो वाली प्रॉब्लम्स के लिए भी बोला है, इसलिए मैं लोगो वाली जो जीके है उसके भी आपके लिए एक दो लेक्चर्स लूंगी। दूसरी बात, जिपमर का जो एडमिट कार्ड है वो कल रिलीज हो गया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उस पर एक वीडियो बनाया है मैंने कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, तो उसे देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। सो पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय UN एंड डैश। तो ये जो सेंटर है क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो किसने लॉन्च किया है? तो यूनाइटेड नेशन यानी कि UN और इटली ने मिलकर। दूसरा, अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड नियर द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, इट इज इन रोम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है अफ्रीका सेंटर वाले का, वो जो फाओ है यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स के करीब ही सिचुएटेड है। तो कहाँ पे हैं दोनों? रोम में। नाउ साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल पैनक्रियाज स्मार्टफोन ऐप दैट विल हेल्प डैश। तो साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल पैनक्रियाज स्मार्टफोन ऐप जो है वो डेवलप की है। किन को हेल्प करेगा ये? जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें। नेक्स्ट, नेम द कॉमन डिजिटल करेंसी रिसेंटली लॉन्च बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ टू गल्फ कंट्रीज। तो अभी अभी एक कॉमन डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की है दो गल्फ कंट्रीज के सेंट्रल बैंक ने। तो वो किस किस ने की है वो मैं आपको बता देती हूँ, UAE और सऊदी अरेबिया, ये दोनों ही गल्फ कंट्रीज हैं हमारी। इन दोनों ने मिलके ये एक कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है एबर। देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30th January। तो 30th January को हम वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का थीम क्या रहा था? एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रेजुडाइज। तो किसी के भी अगेंस्ट जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसे हमें ख़त्म करना है। स्टिग्मा जो है हमारा कि अरे इसको छुओ मत, अरे इसको हाथ मत लगाओ जिसको लेप्रेसी हो रही है, वो चीज़ बंद करनी है। और प्रेजुडाइज जो है उसे भी ख़त्म करना है। प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग होती है कि आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो या किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हो, वो चीज़। नेक्स्ट, नेम द थ्री बैंक्स विच हैव बीन अलाउड टू एग्जिट द PCA फ्रेमवर्क फुली। तो PCA क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ऐसे बैंक्स जो कि डेट में जूझ रहे हैं, डेट से जूझ रहे हैं, उनमें से कौन से तीन बैंक्स हैं जिन्हें इस फ्रेमवर्क से निकाल दिया गया? क्या है? जिन बैंक्स पर बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए हैं उन्हें PCA फ्रेमवर्क में डाल दिया जाता है। तो कौन कौन से बैंक को निकाला गया है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च किसान सुविधा लोन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इस छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक लोन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान सुविधा लॉन्च। तो किस बैंक ने किया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशन हैज अनाउंस 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। तो यूनाइटेड नेशन ने 2019 को किस चीज़ का इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है? पीरियोडिक टेबल का, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2nd February। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है हर साल 2nd February को मनाया जाता है। और इस साल थीम क्या रही थी? वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। Then who among the following has become the first Indian to grab Australian Ladies PGA Tour that is LPGA in golf? तो golf में पहली ऐसी Indian जिन्होंने ये वाला tour जो है वो grab किया है वो है वाणी कपूर। Next है हमारा, which of the following country defeated four-time champions Japan by 3-1 in the final to win their first ever Asian Cup in football? तो किस कंट्री ने चार बार के चैंपियन जापान को 3-1 से फाइनल में हराया और अपना पहला एशियन कप जो है वो जीता फुटबॉल पे? तो वो है कतर, एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जहाँ पे सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह है वहीं पे। नाउ हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 200 ODIs? तो पहली वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 200 ODI इंटरनेशनल खेल लिए वो है मिताली राज। देन वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 4th February को। देन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल दैट इज UICC विच ऑर्गेनाइजेज वर्ल्ड कैंसर डे इज लॉन्चिंग अ न्यू 3-year कैंपेन विद द थीम ऑफ। तो UICC जो है वो वर्ल्ड कैंसर डे ऑर्गेनाइज करती है, तो उसने एक नया 3 साल का कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है 2019 से 2021 तक का। तो उसकी थीम क्या है? I am and I will। देन नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू प्ले 100 T20s? अब वो तो हमने क्या पढ़ा था, 200 ODI किसने खेल लिए हैं। अब ये है कि 100 T20 किसने खेल लिए हैं? सना मीर ने। एंड इंडिया की जो नई ई कॉमर्स पॉलिसी है वो कब से स्टार्ट हुई है? 1st February 2019 से।
Now, which of the following state has become the first state to set up a price monitoring and research unit, that is PMRU, to track violation of prices of essential drugs and medical devices? So, essential drugs or medical devices ke jo prices hain unka violation nahi ho, use track karne ke liye kis state ne, pehla state bhi ban gaya hai wo, usne ek PMRU jo hai wo set up ki hai, to wo hai Kerala. Then, in which of the following city, a six-day-long music and dance festival, Sopan 2019, to encourage young artists to take up traditional art took place? So, this is that in which city Sopan 2019 was organized? So, New Delhi. And this was a six-day music and dance festival, which young artists came. Next question is, which of the following city hosted the Kala Ghoda Festival 2019, which is India's largest multicultural street festival? So, India's biggest multicultural street festival is Kala Ghoda Festival. And 2019 Kala Ghoda Festival, which city hosted it? Mumbai. Ne. Then, in which of the following state, the ISRO unveiled its Human Space Flight Center for its maiden manned space mission Gaganyaan? So, now what is this? Gaganyaan is a manned mission, a manned space mission, where our astronauts will be sent. So, ISRO has unveiled the HSFC, which is Human Space Flight Center, where it has been unveiled, Karnataka. Mein. Then, India's Dash communication satellite GSAT-31 has been successfully launched from French Guiana. So, French Guiana se GSAT-31 jo hai, communication satellite hai, ye launch kar di gayi hai. Aur ye kaun si communication satellite hai? 40th. Then, India's communication satellite GSAT-31 was launched successfully from French Guiana. And kis rockets ke through bheja gaya tha isko? Wo batana hai. To wo hai Ariane 5. French ka hi rocket hai ye. To wo hai. Next is, which of the following countries signed an accord to join NATO to become 30th member of US-led alliance? So, which country has abhi signed NATO to join and it will become 30th member? So, that is Macedonia. Now, India and Dash have joined hands for cooperation on water and waste management. So, water and waste management, pe cooperation karne ke liye India has given hand with whom? Germany. Ke saath. Then, PMJ, which is its full form, is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, or which you are listening to in the news, Ayushman Bharat Scheme. वही है ये, ठीक है? Then next is, which of the following city hosted the Parmanu Tech 2019 conference to discuss the issues related to nuclear energy and radiation technologies? तो किस सिटी में ये conference held out की गई थी, Parmanu Tech 2019, जिसमें जो भी nuclear energy और radiation technology से related issues थे, उन्हें discuss किया था, तो वो है New Delhi. जो major conferences होती हैं, वो New Delhi में ही होती हैं. Next is, India ranks Dash on the International Intellectual Property Index 2019. So, International IP Index mein India ka kya number aaya hai? 36th. Then, app jo ki launch ki hai Chennai Police ne, jisse wo jo two-wheelers aur cell phones chori ho jate hain, unke status ko track kar sakte hain, wo hai DigiCop. Ek achhi app hai ye. Then, who among the following notched up a gold, that is in 48 kg category medal at the EGAT Cup in Thailand? So, EGAT Cup Thailand mein kisne jo hai gold medal jeeta hai 48 kg category mein? To wo hai hamari Meerabai Chanu. Theek hai, EGAT jo hai uska full form hai Electricity Generating Authority of Thailand. So, inka naam dhyan rakhna hai Meerabai Chanu. Then the first meeting of US-India CEO Forum was held in New Delhi. So, pehli meeting jo US-India CEO Forum ki kahan pe hui? New Delhi mein. Next is, name the Oscar-nominated British actor who passed away recently after a short illness aged 22. So, ek Oscar-nominated British actor the jinki death ho gayi January mein. So, unka naam tha Albert Finney. Then, to which among the following region Jammu and Kashmir government had granted a divisional status? So, Jammu and Kashmir government ne kis region ko division ka status de diya hai? To wo hai Ladakh region. Ab ye division kehlai jayegi us state ki. Then, the 13th International Oil and Gas Conference Petrotech 2019 got underway at India Expo Mart in Greater Noida. So, 13th International Oil and Gas Conference, jiska naam tha Petrotech 2019, wo kahan pe hui? Greater Noida mein. Now, AG's Graham Bell Award 2018 announced Dash as the winner in Innovation in Data Science category. So, is category ke liye kisko jo hai Graham Bell Award diya gaya 2018 ka? Wo hai Yes Bank. Theek hai, kyunki isne data science mein innovation dikhaya kafi acha. Next is, Union Environment Minister Dr. Harshvardhan announced the Dash as the mascot for 13th Conference of Party of the UN Convention on the Conservation of Migratory Species, that is CMS, to be held in 2020. So, 2020 mein CMS ki jo 13th COP hogi, Conference of Parties hogi, uska mascot kise banaya gaya hai? Great Indian Bustard ko.
Then, who among the following will be awarded with the Lifetime Achievement Award by the Academy of Canadian Cinema and Television? तो इस Academy के द्वारा Lifetime Achievement Award किसको मिलने वाला है? दीपा मेहता को. And which of the following country signed an MOU with Engineers India Limited, that is EIL, for project management consultancy for oil refinery? तो किस country ने हमारी जो Engineers India Limited है उसके साथ एक MOU साइन की है किस project के लिए? Oil refinery में project management consultancy के लिए. तो वो है मंगोलिया. Then who among the following won BAFTA Awards 2019 under the Best Actor category? तो Best Actor category के लिए BAFTA Awards 2019 में किसको award दिया गया है? Rami Malek को. Then next question, which among the following album won Grammy Awards 2019 under Album of the Year category? तो Album of the Year category में Grammy Award किस album को मिला है? Golden Hour. Then who among the following music video won Grammy Award? तो Best Music Video category में music video जो है किस music video को Grammy Award दिया गया? तो वो है This Is America. Then who among the following film won BAFTA Awards 2019 under Outstanding British Film category? तो Outstanding British Film category में किस film को award मिला है? The Favourite को. Then PM Narendra Modi launched a dedicated 24/7 satellite channel for Arunachal Pradesh. तो उस channel का नाम क्या है? Arunachal Pradesh के लिए 24 घंटे का एक channel उन्होंने चालू किया है. तो वो है DD Arun Prabha. Then next question is, a 3-day Krishi Kumbh was organized in. तो एक 3 दिन का Krishi Kumbh कहाँ पे organized किया गया? बिहार में. Then who among the following made history by becoming the first female driver to win the MRF Challenge title? तो MRF Challenge title होता है, तो पहली female driver कौन बन गई है? उन्होंने history भी बना दी है, वो है Jamie Chadwick. Then the 83rd edition of Senior National Badminton Champions held at Guwahati. तो Senior National Badminton Championships का edition जो है 83rd edition, वो कहाँ पे हुआ? Guwahati, जो कि असम में है. Now, International Day of Women and Girls in Science is celebrated on. तो जो International Day होता है Women और Girls का Science में, वो कब celebrate किया जाता है? 11th February को. Then, next is the 7th session of the World Government Summit held in Dubai, that is in UAE. तो 7th session जो है World Government Summit का, वो कहाँ पे हुआ? दुबई में. दुबई capital है UAE की, वहाँ पे. Now, in which of the following country Lavasia hosted its first Lavasia Human Rights Conference? तो किस country में Lavasia ने अपना पहला Lavasia Human Rights Conference जो है वो conduct किया? तो वो और कोई नहीं, हमारी ही country है, यानी कि India. ठीक है, Lavasia क्या है? एक regional association है lawyers की, judges की, jurists की और legal organizations की. ठीक है, वो है Lavasia. Then नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फर्स्ट लवासिया? तो इस जो फर्स्ट ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस इसने ऑर्गेनाइज की, इसका थीम क्या था? स्टेट पावर, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस. तो स्टेट पावर, बिजनेस और ह्यूमन राइट्स में जो भी इस समय चैलेंजेस आ रहे हैं वो. नाउ व्हाट वाज द थीम ऑफ द क्रेडाई यूथकॉन 2019? तो क्रेडाई यूथकॉन जो हुआ था 2019 का, उसकी थीम क्या रही थी? हमारी नेक्स्ट जनरेशन. क्रेडाई का फुल फॉर्म जो है वो लिख लो, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2019 वाज हेल्ड एट भुवनेश्वर. तो 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? भुवनेश्वर में, जो कि ओडिशा में है. नाउ द वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th फरवरी. द फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया यूनिट्स वर्किंग अंडर INB मिनिस्ट्री वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली. INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर पहली एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई मीडिया यूनिट्स की. तो वो कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में. Then who has authored the book titled Undaunted, Saving the Idea of India? Undaunted मतलब स्थिर जो है, तटस्थ जो है, एकदम हिलने वाला नहीं. तो ये किसने लिखी है बुक? पी चिदम्बरम ने. Then next is, which of the following state will host the 2022 National Games? 2022 के National Games कौन से स्टेट में होने वाले हैं? मेघालय में. Then Dash has been chosen as the mascot for National Games 2022. और ये जो गेम्स होंगे इसके लिए मैस्कट किसको बनाया गया है? क्लाउडेड लेपर्ड को. Then the country formerly known as the Republic of Macedonia officially changed its name to Dash on paper, ending a decades long dispute. तो एक country है जिसका नाम पहले था Republic of Macedonia, लेकिन अब उसने officially अपना नाम change करके क्या रख लिया है? Republic of North Macedonia. Then exercise Topchi was held at Deolali camp near Nasik. तो exercise Topchi जो है वो कहाँ पे की गई? Deolali camp जो कि Nasik के पास है वहाँ पे. तो एनुअली ये एक्सरसाइज होती है और इंडियन आर्मी ने इसको कैरी आउट किया था. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क? तो इंडिया का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क का नाम क्या है? कोलीदम मेगा एक्वा फूड पार्क. तो ये फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया? आंध्र प्रदेश में.
Then who among the following has been awarded the EY Lifetime Achievement Award for 2018? तो ये Lifetime Achievement Award किसको दिया गया है? अजीम प्रेम जी को. तो 2018 में काफी सारे अवार्ड जीते हैं इन्होंने. Then which among the following startup has been awarded the EY Startup of the Year Award for 2018? तो EY Startup of the Year Award किसको दिया गया है? Byju's को. आपने लोगों ने सुना भी होगा Byju's का नाम, तो वही है. So these were the questions for today's lecture. So मैं होप करती हूँ कि आपको सारे questions और उनके answers समझ में आ गए होंगे. तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा. आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. तो लोगों को इसका भी पहला लेक्चर जो है मैंने आज अपलोड कर दिया है, तो उसे देखना मत भूलना. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.